हेलो फ्रेंड्स, कभी चैनल में मत आइएगा। नहीं नहीं, चैनल पे आइएगा। एक्चुअली आज कुछ चेंज है ब्लॉग के अंदर। पूनम आज थोड़ी सी नाराज है, वो कह रही है कि मेरा आज बिल्कुल मूड नहीं है ब्लॉग बनाने, क्योंकि मेरे को लोग सब्सक्राइब कम कर रहे हैं और मैं बहुत गुस्सा हूँ, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, तो आज मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी। तो मैंने कहा नहीं यार, इस मशाल को आगे हम जलाएंगे आज। आई विल मेक श्योर कि ये आगे चलती जाए। पेट्रोल डाल दे। और राज बीच में आके पेट्रोल डाल के जा रहा है मशाल के अंदर। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ हम लोग कहाँ पे आए हैं। हम लोग आए हैं, वी आर हेयर एट अमृतारा कसौली द शातो। ये एक बुटीक होटल है, चेन ऑफ बुटीक होटल है, और हम लोग उसकी कसौली वाली प्रॉपर्टी में है। आप देख सकते हैं, आपको सामने शिवालिक रेंजेस दिख रही हैं। ये देखिए गाइस, सब मुझे पता है लेकिन जान रहे। और ये बहुत ही खूबसूरत, आपको चारों तरफ से पाइन ट्रीज दिख रहे हैं, सिर्फ पाइन के पेड़ हैं। और इतनी वेदर है यहाँ का, एयर इतनी फ्रेश है, एकदम नेचुरल। आपकी अगर उम्र दिल्ली में 60 साल है तो यहाँ पे क्या 80 साल हो जाएगी। तो एक बात बताओ, क्या सब कोई दिल्ली से ही आने वाला है क्या? आप दिल्ली से आए? दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। दिल्ली में आप यू कैन फील, आप कितना, इतना खूबसूरत यहाँ की वादियाँ है, हवा इतनी प्योर है, कोरोना दूर दूर तक नहीं आ सकता। और इतनी खूबसूरत वादियाँ है, कहते हैं नेचर आपको पहाड़ों पे ही मिलेगा, ना पॉल्यूशन, ना भीड़ भाड़, शांति सुकून। और हम लोग इसमें अपने रूफ टॉप पे हैं, बुटीक होटल है, अभी रूफ टॉप पे भी काम चल रहा है। और गाइस, ये कसौली हिल्स है, कसौली है। आपको इसके बाद हम लोग देखिए, कभी भी पहाड़ों पे आपको बड़े होटल्स नहीं मिलेंगे, छोटे होटल्स मिलेंगे, पर एक्सपेंसिव होते हैं यहाँ की सारी प्रॉपर्टीज। बट आपको ये साफ सुथरा बढ़िया होटल है, फूड भी इनका देखेंगे कैसा है, विल चेक टुडे इन द नाइट, कल मॉर्निंग उसे लगे वो भी देखेंगे। और आपको रूम टूर आज मैं कराऊंगा, रूम टूर ये कराएंगे तो मैं इनका सपोर्टर। बट आज मुझे इनके साथ बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि आज मेरे साथ अच्छे से प्यार से बात कर रहे हैं पूरे दिन से। हाँ, आज रूम टूर मैं नहीं कराऊंगी, सीरियसली मेरा मूड बहुत ज्यादा ऑफ है गाइज। क्यों ऑफ है वो मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी, उस पे बताऊंगी। ये ब्लॉग बनाती है, इतने ब्लॉग क्या करेंगी? आपको कितना प्यारा पेट, आपको मतलब पाम प्लांट है। अरे अभी काम चल रहा है ना रेस्टोरेंट का, द रेस्टोरेंट ऑलरेडी है, सिक्स फ्लोर पे है ना। तो बताइए कहाँ क्या करना है। हम लोगों का मन कर रहा है कि चलते हैं, भुट्टे खाते हैं यहाँ पे, भुट्टे खाते हैं। इसमें आप कौन कौन सा ब्लॉग शूट करवाएंगे? रूम का अलग करवाना है, रेस्टोरेंट का, इसमें आप बाहर का टूर कराएंगे? बाहर का टूर कराते हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ कैसे। हम लोग देखिए कैब से तो आ गए चंडीगढ़ से, अब यहाँ से हम लोग, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे मार्केट है, अब वहाँ हम लोग कैसे जाएंगे? 1 किलोमीटर नहीं, डेढ़, कुछ पता नहीं है, यहाँ से मार्केट 1 किलोमीटर रहा। अच्छा, आप पता ही नहीं है कि जाएंगे कैसे। हम लोग यहाँ से ये देखते हैं, एक्सप्लोर करें कैसे जाएंगे। ज्यादा दूर नहीं, चलिए बाहर चलते हैं। चलिए मैं आपको कैमरे के साथ लेके चलती हूँ। 6 फ्लोर पे है, पहाड़ों पे कुछ अलग ही होता है। पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये चल रहा है कि आज राज थोड़ा सा ज्यादा कर रहा है, तो रात में क्या होगी, कर क्या हो सकता है? तो अभी कहाँ चल रहा है ये बताइए। रिसेप्शन से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो दिखाइए। अभी यार यहाँ पे टैक्सी भी नहीं मिल रही है, टैक्सी के लिए अब कह रहे टैक्सी के लिए आपको कसौली से बुलानी पड़ेगी, एंड ही इज चार्जिंग 1000 रुपीज, वो भी 2 किलोमीटर के लिए, पागल है क्या? अब देखते हैं कुछ जुगाड़, भारत का फेवरेट चीज जुगाड़। वी विल सी सम, कोई टैक्सी वाला यहाँ से खाली जा रहा हो, विल गिव 100 रुपीज। तो कितना देर वेट करेंगे? और हवा खा रहे हैं, रूम से उड़े यहाँ बैठे हुए। 10 आवर्स लेटर। मैं तो इतना चालू हूँ, मैं तो यहाँ पे बाइक भी ले सकता हूँ, क्योंकि ले लो बाइक दे रहे मेरे को, मैं घूम के आ जाएंगे। देखो छोटे बच्चे खेल रहे हैं। घूमना नहीं है इनको, खाने मॉल रोड जाना है, कुछ मिल जाए यहाँ पे। अब गोवा अच्छा था यार हमारा मामले में, गोवा तो अच्छा था ही। तो फ्रेंड्स, इनकी तो बकबक चलती रहेगी, तो मैं आपको अच्छा सा व्यू भी दिखा देती हूँ, कि आपको ये ना लगे कि हमने आपको व्यू नहीं दिखाया। करना क्या है ये बताओ, टैक्सी का वेट कर रहे हैं, ये टैक्सी का वेट कर रहे हैं। यार ये थोड़ी जाएगी गाड़ी, ये किसी की प्राइवेट गाड़ी है, कोई और आएगा ना। हम लोग फंस गए थे, कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी होटल से, तो भैया ने हमारी हेल्प करी है ड्रॉप करने के लिए, तो थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग
पहुंचते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है। ठीक है, तो दिल्ली से आए चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर कसौली घूमने फर्स्ट टाइम आए थे, तो कैब से आ गए थे, कैब बुक की थी ना, तो उसके बाद यहाँ से कम्युनिकेट करने के कम्युनिकेट भी डिफिकल्ट हो रहा है कि कैसे जाए। और उनको बोला तो बोल रहा टाइम लगेगा कसौली से, वहीं से टैक्सी आएगी। मैंने कहा चलो यार लेट सी, बाहर अगर कोई गाड़ी खाली जा रही है तो टैक्सी उसको कर लेंगे, बट आप दिख के मैंने कहा खाली है उसके ऊपर उसी को कर सकता हूँ, बाकी लोगों नहीं कर सकता। तो आप किसी को ड्रॉप करने गए थे या फिर अपनी खुद की फैमिली को छोड़ के? ओके, उन्होंने कहीं जाना था तो मतलब यहाँ घर आपका यहाँ पे है कसौली? अच्छा, कसौली घर है आपका? ये चौक है, ये क्या है? इस तरह ये गढ़खल है। गढ़खल है, कसौली यहाँ से कितना दूर है अभी? यहाँ से 3 किलोमीटर आगे। वहाँ पे मतलब है क्या घूमने के लिए? वहाँ पे ओल्ड ब्रिटिश चर्च है सर, एक हेरिटेज मार्केट है, मंकी पॉइंट है, हनुमान जी का मंदिर। तो आप कसौली ही जा रहे हो? नहीं नहीं, मैं पीछे जाऊँगा कसौली से 2 किलोमीटर। अच्छा, नहीं नहीं कोई इशू नहीं, कल घूमेंगे मतलब कैब बुला के ना। हाँ, आज हम इस चौक पे देखेंगे यहाँ पे कुछ मार्केट है। तो फाइनली हम कहाँ पहुँच गए? ये एक चौक है, गढ़, क्या नाम है चौक का? जो भी नाम है यहाँ लिखा है। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। गढ़खल, गढ़खल चौक है ये। हाँ तो लिखा तो है गढ़खल। हाँ, ग्राम पंचायत गढ़खल, यहाँ पे पहुँच चुके हम चौक पे। अब यहाँ पे हम लोग गरमा गरम खाएंगे, जलेबी और समोसे खाएंगे, देखते हैं। यहाँ से उठ रहे क्या? बस स्टैंड है, बस स्टैंड है, तो चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ राज आया है चिप्स लेने, इसको चिप्स ही खाना था। तो बताइए आप कुछ बोलिए। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं, समोसे वहाँ के मिल रहे हैं। देखा था मैंने पिछली बार जब मैं एटीएम आया था पैसे निकालने के लिए। और मॉल रोड यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है, तो मुश्किल है, तो मुश्किल है। यहाँ छोटा मोटा ये मार्केट है, यहाँ कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। इस रोड पे है मॉल रोड, तो वो अभी नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है, कल जाएंगे। तुम्हें क्या लिया? परसों पूरा कल घूमो, कब ओ हीरो भैया। तो ये इस तरह के मार्केट्स हैं, बहुत छोटी मार्केट है, इनको पता नहीं क्या खाना है, क्या खाना है। चलो देखते हैं, इनको पकौड़ियों की खुशबू आ रही है, खुशबू के पीछे पीछे ये जा रहे हैं, मुझे तो पता नहीं है। आप हाथी भाई लग आज कह रहे हैं, इनको देखिए पकौड़ियों की खुशबू आ रही है, पकौड़ियों के घर पे आ गए। ये देखिए, और कितनी गंदगी भी है वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। तो फाइनली पकौड़ियों की दुकान आ गई है, ये नहीं पकौड़ियाँ, और ये रहे रवि चाय पकौड़ियाँ, पकौड़ी गरम है। सो ये फाइनली हम लोग खा रहे हैं पकौड़ियाँ और चटनी के साथ। ये इतनी दूर पकौड़ियाँ खाने आए हैं, बहुत दूर है, आपको होटल में नहीं मिल रहा था, ये बात ही अलग है। खा लीजिए पहले, कुछ बोलेंगे इसके बारे में? ये है कड़क चाय, अब तो पी के पता चलेगा ना कैसी चाय है, मुंह ना जल जाए। ठीक है, रवाना हो रहे हैं, अब देखते हैं कैसे जाते हैं। ये कहना चाहते हैं कि हम फिर होटल जा रहे हैं, हम लोग फिर होटल, और हमारे पास कोई साधन नहीं है जाने का, तो अब हम फिर से जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ समझते हैं ना, भारत देश में सबसे ज्यादा चलता है जुगाड़। वी विल आस्क फॉर अ टैक्सी, तो फिर हम वेट कर रहे हैं टैक्सी का। और पता है वो टैक्सी आने जाने की 1000 ले रही थी, और मतलब कोई भी अगर हम कैब बुक करते हैं तो, और इन्होंने क्या किया कि जीरो कॉस्ट पे लेके आए हैं, और देखते हैं लेके कितने कॉस्ट पे जाते हैं। 150 रुपया लेगा, ठीक है वेट करते हैं। ये देखो कितने स्मार्ट ही ढंग से खड़े होके लिफ्ट के लिए तैयार हैं दोनों के दोनों लोग। मैं कोई तैयार नहीं हूँ, मैं तो अपना दे दूंगा लेकिन निकल ले चलो। क्या दे दोगे? ये अपना चिप से दे देगा लेकिन कहेगा कि मुझे ले चलो। ठीक है देखते हैं मिलता है कि नहीं, इनका मिशन सक्सेस होता है कि नहीं। हम लोग So finally we got a lift. Oh, great. और ये See you. Good luck. ये good luck है, और ये कोई मुझे कोई government का है। Maybe. Thanks to the government. ऐसी सारी ladies बैठी हुई है ना।
इनका फोन नहीं आया, लेकिन ये सलामती से पहुंचने वाले हैं होटल। तो गाइस देखिए, जुगाड़ से ही हमारा भारत चलता है, और ऐसे लोगों की वजह से। ऐसे लोगों की वजह से जो चीज 1000 रुपए में हो रही थी, वो हमने 50 रुपीज में कर ली। और एक इसमें ना एक एडवेंचर भी था। नहीं, 50 रुपीज सिर्फ हमारा लगा ना। यस, अभी आने का लगा, जाने का तो कुछ भी नहीं लगा। चलो गाइस, ऐसे क्यों लगे, बंद करते, बाय बाय। तो आप बताइए, ब्लॉग को एंड कर दिए यहीं पे? नहीं, एंड कर दिया जाए, बाकी अब कुछ तो बात रहा, अभी एंड करते हैं। और हम आपको ऐसे एंडिंग करते हैं ब्लॉग का। हाँ, पास आके एंड करते हैं ना। तो मुझे बताइए ना, रात का डिनर दिखाएंगे कैसा है। सो गाइस, ये ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। अच्छा लगे ये कसौली का ब्लॉग, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और देखिए सन कितना प्यारा है। मैं सारी क्लिप जो मम्मा ने बनाई, मैं तो अपना फोन नहीं लेके गया था, तो वो क्लिप्स मैं अपने वीडियो में जोड़ दूंगा, तो कोई कॉपीराइट नहीं होगा, पहले बोल दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी पता नहीं अचानक से सूरज कहाँ से आ गए, और यहाँ मौसम काफी ठंडा है। कोई राज सबसे कम कपड़े पहना है, ये देखिए मेरी हालत। क्योंकि इसके कपड़े कुछ नहीं आए हैं, तो इसकी हालत बहुत खराब है। तो ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो, ये रवि का ब्लॉग था, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था शूट करने का। और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे तो पसंद नहीं करते, इन्हें पसंद कर लीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। जितनी पूनम की सिस्टर्स है सब मुझे पसंद कर ले। जितनी मेरी सिस्टर्स है सब इनको पसंद कर ले, ये कहना चाहते हैं। कर लेना यार, मजाक कर रहे हैं, जस्ट जोकिंग, क्योंकि कोई तो कुछ। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब पीछे गाड़ी आ रही है, ठीक है ना, मैं देख रही हूँ। तो चलिए बाय बाय, प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज इसका चैनल लाइक करो। बहुत मेहनत करती है, लिटरली बोल रहा हूँ, हंसे रहा मेहनत करती है।